शुक्राणुओं के साथ मिलाप होने पर जब अंडा निषेचित हो जाता है और जब निषेचित अंडा यूट्रस की लाइनिंग से जुड़ जाता है तो उसका विकास होना शुरू हो जाता है और प्रेगनेंसी के अगले 9 महीनों तक उसका विकास होता रहेगा। गर्भ में भ्रूण के विकास का प्रोसेस आपके आखिरी पीरियड खत्म होने के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है और जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो आपको पता चलता है कि आप गर्भवती हैं, तो उस समय आप 3 से 4 हफ्ते की गर्भवती होती हैं। तो चलिए ये वीडियो हम चौथे वीक से शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता। प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते में कोशिकाओं का गोलाकार गुच्छा अब एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण के रूप में विकसित हो रहा है और इस समय भ्रूण के आकार को मापना काफ़ी मुश्किल है, यानी कि ये आकार में बहुत ज़्यादा छोटा है। इस समय भ्रूण का आकार मात्र एक खसखस के बीज के बराबर है और अभी भ्रूण की गर्भनाल यानी कि प्लेजेंटा विकास के शुरुआती चरण में है। पाँचवा हफ्ता। प्रेगनेंसी के पाँचवें हफ्ते में भ्रूण का साइज एक तिल के बीज के बराबर है और इस समय वह मनुष्य कम और दिखने में मेंढक के बच्चे की तरह ज़्यादा लगता है। अब शिशु के बाजुओं के रूप में विकसित होने वाले उभार दिखाई देने लगे हैं। छठा हफ्ता। प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में भ्रूण का साइज अभी भी मात्र एक दाल के दाने के बराबर है। इस समय शिशु का दिल अलग अलग चैम्बर में विभाजित होना शुरू हो चुका है और अब धड़कने लगा है। शिशु के दिल की धड़कन शुरू हो चुकी है और अल्ट्रासाउंड के जरिए शिशु की धड़कन को सुना जा सकता है। इस समय शिशु का सर उसके धड़ के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है और शिशु के कानों की जगह छोटे छोटे गड्ढे हैं। सातवां हफ्ता। इस हफ्ते आपका शिशु का आकार एक चने के बराबर हो गया है और इस समय शिशु की लंबाई 1/2 इंच से भी कम है। अभी शिशु की एक छोटी सी पूंछ भी है, लेकिन जैसे जैसे शिशु का विकास होगा उसकी यह पूंछ अपने आप खत्म हो जाएगी। इस समय शिशु के हाथों और पैरों की अंगुलियां आपस में जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। सातवें हफ्ते में शिशु का मस्तिष्क 1/3 बढ़ जाएगा, उसके सिर के दोनों तरफ कान विकसित हो रहे हैं और उसकी आंखें अभी भी विकास के शुरुआती चरण में हैं। अब शिशु की नरम हड्डियां बननी शुरू हो चुकी हैं। आठवां हफ्ता। प्रेगनेंसी के आठवें हफ्ते में शिशु का आकार एक राजमा के बराबर हो चुका है और शिशु 0.6 इंच लंबा हो चुका है, यानी कि उसकी लंबाई 1 इंच के आधे हिस्से के जितनी हो चुकी है। अब शिशु का जबड़ा और नाक अपना आकार लेने लगे हैं। शिशु के मस्तिष्क में जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनका विकास शुरू हो चुका है। प्रेगनेंसी के आठवें हफ्ते में शिशु के जो बाजू हैं वह इतनी लंबी हो चुकी हैं कि वह शिशु की छाती तक आसानी से पहुंच सकती हैं। अब शिशु की टांगें भी लंबी हो रही हैं और उसकी जो पूंछ है वह लगभग गायब हो चुकी है। नौवां हफ्ता। नौवें हफ्ते में आपका शिशु एक अंगूर के बराबर हो चुका है और अब शिशु की लंबाई 0.9 इंच और उसका वजन लगभग 2 ग्राम हो चुका है। अभी तक आपका शिशु विकास की एम्ब्रियोनिक स्टेज पर था, लेकिन इस हफ्ते वह विकास की फीटल स्टेज में प्रवेश करेगा जो कि उसके जन्म तक जारी रहेगी। इस समय शिशु के हेयर फॉलिकल्स बनने शुरू हो चुके हैं, उसके मुंह में जीभ पर जो पहली स्वाद ग्रंथियां हैं वह बननी शुरू हो चुकी हैं। शिशु के गुप्तांग अब बनना शुरू हो गए हैं, उसके हाथों और पैरों की उंगलियां अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी हैं। दसवां हफ्ता। प्रेगनेंसी के दसवें हफ्ते में शिशु का आकार जैतून के समान हो चुका है और इस समय शिशु की जो लंबाई है वह 1.2 इंच हो चुकी है और इस समय तक शिशु का वजन लगभग 4 ग्राम के करीब पहुंच चुका है। शिशु का माथा अब दिखाई दे रहा है, उसके कान अब धीरे धीरे बाहर की तरफ विकसित हो रहे हैं। अभी शिशु की पलकें बंद हैं और ये प्रेगनेंसी के 27वें हफ्ते के बाद ही खुलेंगी। अब शिशु का हृदय पूरी तरह से विकसित हो चुका है। ग्यारहवां हफ्ता। ग्यारहवें हफ्ते में आपके शिशु का आकार एक अंजीर के बराबर हो चुका है। अब शिशु 1.6 इंच के करीब लंबा हो चुका है।
अब शिशु की नसें और धमनियां विकसित हो रही हैं। इन्हें उसकी त्वचा की स्किन की पतली परत के भीतर देखा जा सकता है। शिशु का मुंह लगभग तैयार हो गया है। उसकी तालू की हड्डियां एक साथ जुड़ रही हैं। उसके हाथों व पैरों की उंगलियां, जो पहले एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, वे अब पूरी तरह से अलग हो चुकी हैं। 12वां हफ्ता। 12वें हफ्ते में शिशु एक छोटे नींबू के बराबर है और इस समय शिशु की लंबाई 2.1 इंच और शिशु का वजन करीब 14 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। शिशु की आंखें अब एक दूसरे के नज़दीक आ गई हैं और अब शिशु काफ़ी हद तक मनुष्य जैसे दिखने लगता है, यानी कि अब वह एक नॉर्मल शिशु की तरह दिखने लगा है। अब शिशु अपनी मुट्ठी बंद कर सकता है और अपनी उंगलियाँ खोल भी सकता है। 13वां हफ्ता। इस हफ्ते आपका शिशु एक मटर की फली के जितना लंबा हो चुका है। अब शिशु की लंबाई 2.9 इंच के करीब हो चुकी है। उसका वजन 23 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। इस हफ्ते शिशु के दिमाग का वह हिस्सा बनना शुरू हो गया है जो कि याददाश्त, समस्या सुलझाने, सोचने समझने के लिए जिम्मेदार होता है। अब शिशु के हाथों और पैरों की उंगलियों में फिंगरप्रिंट बनने की शुरुआत हो चुकी है। इस हफ्ते शिशु एमनियोटिक फ्लूइड को निगलना शुरू कर देता है और साथ ही साथ पेशाब के रूप में उसे बाहर निकाल रहा होता है। 14वां हफ्ता। 14वें हफ्ते में आपके शिशु की लंबाई करीब 3.4 इंच और उसका वजन 43 ग्राम के आसपास हो चुका है और वह लगभग एक बड़े नींबू के आकार के जितना हो चुका है। 14वें हफ्ते की शुरुआत से अब आप प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में प्रवेश कर चुकी हैं। शिशु का शरीर और उसके बाकी अंग अब उसके सिर के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी आपके शिशु की आंखें बंद हैं, लेकिन अब शिशु अपनी आंखों को बंद पलकों के भीतर से धीरे धीरे घुमा रहा है। 15वां हफ्ता। प्रेगनेंसी के 15वें हफ्ते में आपका शिशु 4 इंच के करीब लंबा हो चुका है और शिशु का वजन इस समय लगभग 70 ग्राम के आसपास हो चुका है। शिशु अब लगभग एक सेब के जितना बड़ा हो चुका है। उसकी सांस लेने की प्रणाली अभी विकसित हो रही है और उसकी हड्डियां धीरे धीरे सख्त होती जा रही हैं। शिशु की आंखें अभी भी बंद हैं, लेकिन अब वह रोशनी के प्रति संवेदनशील हो रहा है। शिशु के सुनने की क्षमता भी अभी विकसित हो रही है और इस हफ्ते के अंत तक वह आपके दिल की धड़कन और पेट की गड़गड़ाहट को सुन सकता है। 16वां हफ्ता। 16वें हफ्ते में शिशु अब एक नाशपाती के आकार जितना बड़ा हो चुका है और अभी शिशु की जो लंबाई है वह 4.6 इंच के करीब हो चुकी है। शिशु का वजन लगभग 100 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। शिशु के गर्दन और पीठ की जो मांसपेशियां हैं वह धीरे धीरे मजबूत और कठोर हो रही हैं। शिशु के सर के सबसे ऊपर उसकी सिर की त्वचा में अब छोटी छोटी रेखाएँ बनना शुरू हो चुकी हैं। 17वां हफ्ता। प्रेगनेंसी के 17वें हफ्ते में आपके शिशु की लंबाई 5.1 इंच और शिशु का वजन 140 ग्राम के लगभग हो चुका है। शिशु की उंगलियों में अब फिंगरप्रिंट बन चुके हैं। शिशु की सुनने की क्षमता अब बेहतर हो रही है और अगर आप इस समय किसी प्रकार का कोई म्यूजिक चलाएंगी तो हो सकता है कि आपका शिशु हरकत करना शुरू कर दे या फिर हिलना डुलना शुरू कर दे। कहने का मतलब है कि बाहर का शोर, कोई आवाज़ या फिर संगीत सुनकर शिशु एक्टिव हो जाता है। इस समय तक शिशु की हड्डियां पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं। 18वां हफ्ता। प्रेगनेंसी के 18वें हफ्ते में शिशु की लंबाई 5.6 इंच और इस समय उसका वजन करीब 190 ग्राम के आसपास हो चुका है। इस समय तक शिशु के कान विकसित हो चुके हैं और उसके कान सिर से अलग दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। अब उसकी जो पलकें हैं वह भी उभरने लगी हैं। 19वां हफ्ता। प्रेगनेंसी के 19वें हफ्ते में शिशु की लंबाई करीब 6 इंच और उसका वजन लगभग 240 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। अब शिशु की बाजू और टांगें सही अनुपात में विकसित हो चुकी हैं और उसके सिर की स्किन पर अब हल्के हल्के बाल आने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, कुछ महिलाओं को इस समय शिशु की हलचल महसूस होनी शुरू हो जाती है और ये वह समय है जब शिशु बहुत तेज़ी से विकास करना शुरू कर देता है। 20वां हफ्ता।
प्रेगनेंसी का 20वां हफ्ता वह समय है जब आपने प्रेगनेंसी का आधा समय पूरा कर लिया है। 20वें हफ्ते में शिशु का आकार करीब 10 इंच और इस समय शिशु का वजन 300 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। इस समय शिशु बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि बहुत क्रियाशील हो चुका है। अब आपका शिशु किक मारकर आपको एहसास दिला सकता है और ये वह समय है जब गर्भस्थ शिशु अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। 21वां हफ्ता, प्रेगनेंसी के 21वें हफ्ते में गर्भस्थ शिशु का वजन लगभग 360 ग्राम और उसकी लंबाई करीब 10.5 इंच हो गई है, यानी कि अब वह एक गाजर जितना लंबा हो चुका है। अभी शिशु की स्किन पारदर्शी है और वह धीरे धीरे गुलाबी से लाल हो रही है। शिशु की भौहें अभी घनी हो रही हैं, उसके होंठ भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं और उसकी आंखें भी बंद पलकों के भीतर तेज़ी से इधर उधर घूम रही हैं। यदि आपको अब गर्भस्थ शिशु की हलचल महसूस होने लगी है तो आने वाले हफ्तों में आप और अधिक उसकी हलचल को महसूस कर सकती हैं। 22वां हफ्ता, प्रेगनेंसी के 22वें हफ्ते में गर्भस्थ शिशु का वजन लगभग 430 ग्राम और वह 10.9 इंच के करीब लंबा हो चुका है। अब उसका आकार एक लंबे खीरे के बराबर हो चुका है। अब वह एक नवजात शिशु के अनुपात में आ चुका है, हालांकि उसके शरीर में चर्बी उभरनी अभी बाकी है। शिशु की आंखें भी बन चुकी हैं, हालांकि अभी उसकी आंखों की पुतलियों में कोई रंगत नहीं है। 23वां हफ्ता, प्रेगनेंसी के 23वें हफ्ते में गर्भस्थ शिशु का वजन लगभग 500 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा और वह लगभग 11.4 इंच के करीब लंबा हो चुका है। अब उसकी स्किन और लाल दिखाई देने लगती है। अब आपका शिशु आवाज़ के प्रति अधिक संवेदनशील होता जा रहा है और हो सकता है कि वह आपके दिल की धड़कन और या फिर आपकी आवाज़ को भी सुन पा रहा हो। दोस्तों, आने वाले कुछ हफ्तों में आप शिशु की हलचल को अपने पेट के ऊपरी भाग में महसूस कर सकेंगी। अगर आपको शिशु की हलचल अभी तक महसूस नहीं हो रही तो टेंशन ना लें, क्योंकि कुछ महिलाओं को शिशु की हलचल महसूस होने में ज़्यादा समय भी लग सकता है। 24वां हफ्ता, प्रेगनेंसी के 24वें हफ्ते में शिशु का वज़न करीब 600 ग्राम तक पहुंच चुका है और अब वह आपके गर्भाशय में जगह घेरने लगा है। शिशु की लंबाई करीब 11.8 इंच के करीब हो चुकी है। अब शिशु की सोने और जागने की आदतें और अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं। शिशु का दिमाग तेज़ी से विकसित हो रहा है और वह अपनी भौहों को चढ़ाकर अलग अलग मुँह बनाना शुरू कर देता है। 25वां हफ्ता, प्रेगनेंसी के 25वें हफ्ते में आपके गर्भस्थ शिशु का वज़न लगभग 660 ग्राम और उसकी लंबाई 13.6 इंच के करीब हो चुकी है। अब शिशु का लंबा और पतला दुबला शरीर गोल मटोल होना शुरू हो रहा है। उसकी झुर्रीदार स्किन से सिलवटें दूर होने लगती हैं और अब वह अधिक नवजात शिशु की तरह दिखने लगता है। दोस्तों, शिशु की पलकें अभी बंद हैं, लेकिन वह रोशनी को महसूस कर सकता है और अगर आप अपने पेट पर टॉर्च की रोशनी डालेंगी तो हो सकता है कि इसके प्रतिक्रिया में शिशु हलचल कर पाए। अब आपको उसकी हलचल महसूस हो रही होगी और यह आपकी प्रेगनेंसी का वह समय है जब आप और आपका शिशु एक दूसरे को महसूस करने और प्रतिक्रिया देने में लगे हैं। 26वां हफ्ता, इस हफ्ते में आपका शिशु 14 इंच से थोड़ा लंबा हो चुका है और उसका वज़न भी लगभग 760 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। अब उसके बढ़ते शरीर को उसकी मजबूत होती रीढ़ का सहारा मिल रहा है। अब शिशु आवाज़ को अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकता है। उसका मस्तिष्क यानी कि दिमाग और फेफड़े भी विकसित हो रहे हैं। आपके शिशु की स्वाद कलिकाएं अब पूरी तरह से विकसित हो चुकी हैं। उसके नथुने अब खुलने लगे हैं और उसके मुंह और होंठ अब अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। 27वां हफ्ता, 27वें हफ्ते में शिशु का वज़न लगभग 875 ग्राम और उसकी लंबाई 14.4 इंच से थोड़ी ज़्यादा हो गई है। आपके गर्भस्थ शिशु के लिए ये काफ़ी रोमांचक हफ्ता है, क्योंकि इसी हफ्ते वह पहली बार अपनी आंखें खोलता है। अब आपका शिशु नियमित रूप से सोता है और जागता है, जो शायद आपको उसकी हलचल में भी महसूस हो रहा होगा। अब शिशु सपने भी देख सकता है। 28वां हफ्ता,
28वें हफ्ते में आप प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में प्रवेश कर चुकी हैं। अब आपके गर्भस्थ शिशु का वजन लगभग 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, उसका आकार एक बैंगन के जितना हो चुका है और उसकी लंबाई 14.8 इंच पहुंच चुकी है। अब आपके शिशु की हार्ट बीट पहले के मुकाबले धीमी हो गई है, हालांकि अभी भी उसका दिल 140 धड़कन प्रति मिनट की दर से धड़क रहा है, जो आपके दिल की धड़कन की गति से दोगुना तेज है। शिशु की नाजुक पलकें आ गई हैं और उसकी आंखें अब आंसू भी पैदा कर सकती हैं। शिशु अब हिचकी भी ले सकता है और अगर शिशु गर्भ में हिचकी लेता है तो भी शायद आपको उसकी छोटी हलचल महसूस हो सकती है। 29वां हफ्ता, अब आपके शिशु का वज़न लगभग 1 किलो 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा और उसकी लंबाई करीब 15.2 इंच हो चुकी है, जो कि लगभग एक कद्दू के बराबर है। उसका मस्तिष्क, जो पहले स्पॉट था, और अब उसमें नई सिलवटें और लकीरें बन रही हैं। शिशु की हड्डियां कठोर बनना जारी रहती हैं। 30वां हफ्ता, प्रेगनेंसी के 30वें हफ्ते में गर्भस्थ शिशु की लंबाई 15.7 इंच से थोड़ी ज़्यादा और उसका वज़न लगभग 1 किलो 300 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। इस समय यदि आप अपने पेट पर टॉर्च या कोई चमकदार रोशनी डालें तो आप शायद महसूस कर पाएं कि शिशु इसे देखने के लिए अपना सिर घुमाने लगता है। हालांकि उसकी दृष्टि अभी भी विकसित हो रही है और जन्म के समय भी इसका विकसित होना जारी रहेगा। शिशु के चारों तरफ मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि हर हफ्ते बढ़ रहा था, लेकिन शिशु के बड़ा होने के साथ साथ इस फ्लूइड का बढ़ना भी कम होता जा रहा है। 31वां हफ्ता, प्रेगनेंसी के 31वें हफ्ते में आपके गर्भस्थ शिशु का वज़न लगभग 1.5 किलो और उसकी लंबाई 16.2 इंच के करीब पहुंच चुकी है। अब शिशु के पतले बाल झड़ना शुरू हो गए हैं और अब वह अधिक नवजात शिशु जैसा दिखने लगा है। जैसे जैसे शिशु का वज़न बढ़ता जा रहा है, उसकी झुर्रीदार स्किन की सिलवटें अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। आप जो भी भोजन खाती हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के ज़रिए उसका स्वाद और गंध आपके गर्भस्थ शिशु तक पहुंच जाती है। कहने का मतलब है कि अब शिशु स्वाद का अनुभव भी करने लगा है। 32वां हफ्ता, प्रेगनेंसी के 32वें हफ्ते तक आपके गर्भस्थ शिशु का वज़न लगभग 1 किलो 700 ग्राम और उसकी लंबाई 16.7 इंच के करीब हो चुकी है। शिशु के हाथों और पैरों की अंगुलियों के नाखून पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। शिशु के बाल भी घने हो रहे हैं, हालांकि जन्म के बाद ये झड़ सकते हैं। इस समय आपका शिशु गर्भ में नीचे की तरफ सिर वाली अवस्था में लेटकर खुद को जन्म के लिए तैयार कर रहा होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 32 से 34 हफ्ते के दौरान शिशु हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो जाता है और प्रेगनेंसी के 36वें हफ्ते तक शिशु हेड डाउन पोजीशन में, यानी कि सेफलिक पोजीशन में आ जाता है। 33वां हफ्ता, प्रेगनेंसी के 33वें हफ्ते में शिशु का वज़न लगभग 1 किलो 900 ग्राम और उसकी लंबाई 17.2 इंच हो चुकी है। अब उसका आकार एक अनानास के जितना हो चुका है। शिशु का दिमाग और नर्वस सिस्टम पूरी तरह से विकसित हो चुका है और अब वह अपनी खुद की प्रतिरक्षण प्रणाली विकसित करना शुरू कर रहा है। 34वां हफ्ता, प्रेगनेंसी के 34वें हफ्ते तक आपके बच्चे का आकार एक नॉर्मल साइज के खरबूजे जितना हो चुका है। अब उसका वज़न लगभग 2 किलो 100 ग्राम और उसकी लंबाई 17.7 इंच के करीब हो चुकी है। शिशु की बॉडी पर चर्बी का चढ़ना जारी है और चर्बी की ये परतें जन्म के बाद उसके शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित करने में मदद करेंगी। आपका बच्चा पहले से ही आपकी आवाज़ पहचानता है, लेकिन शायद उसके लिए लोरियों और गानों को भी पहचान पाना संभव है। तो ऐसे में आप अपने बच्चे से बातें कर सकती हैं, उसे गाना या लोरियां सुना सकती हैं और यह अपने बच्चे के साथ प्यार भरा बंधन बनाने का भी एक अच्छा तरीका है। 35वां हफ्ता, इस हफ्ते आपके शिशु का वज़न लगभग 2 किलो 400 ग्राम
और उसकी लंबाई 18.2 इंच के करीब पहुंच चुकी है। अगले कुछ हफ्तों में उसका वजन प्रतिदिन 28 से 30 ग्राम बढ़ेगा। अब आप शिशु की हलचल को अच्छी तरह से महसूस कर पाएंगी। गर्भ में शिशु किस पोजीशन में है, इस आधार पर आप शिशु के उलटने पलटने पर उसका उतार चढ़ाव महसूस कर सकेंगी या फिर हिचकियां आने पर आप लयबद्ध हरकत महसूस कर सकती हैं। शिशु के बड़ा होने के कारण अब उसकी हलचल से आपको थोड़ा असहज भी महसूस हो सकता है। 36वां हफ्ता। प्रेगनेंसी के 36वें हफ्ते में शिशु का वजन लगभग 2 किलो 600 ग्राम और उसकी लंबाई करीब 18.7 इंच से थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों, 36वें हफ्ते के बाद से यानी कि 37वें हफ्ते से आपकी प्रेगनेंसी को फुल टर्म प्रेगनेंसी कहा जाएगा, यानी कि इस हफ्ते के बाद से आपका शिशु किसी भी दिन जन्म के लिए तैयार है, क्योंकि केवल 5% बच्चे ही डॉक्टर द्वारा दी गई EDD यानी कि ड्यू डेट पर जन्म लेते हैं और ज़्यादातर बच्चे प्रेगनेंसी के 37 से 40 हफ्ते के बीच ही जन्म लेते हैं। अब आपके शिशु के शरीर से बचे हुए रोईदार लेनुगो बाल और वर्निक्स कैसियोसा झड़ना जारी रहते हैं। 37वां हफ्ता। इस हफ्ते तक आपकी प्रेगनेंसी फुल टर्म यानी कि पूर्ण अवधि पर पहुंच गई है और डिलीवरी की ड्यू डेट से अब ये केवल कुछ ही हफ्ते दूर है। इस हफ्ते तक शिशु का वजन लगभग 2 किलो 900 ग्राम और उसकी लंबाई 19.1 इंच के करीब हो चुकी है। अब आपका शिशु होंठ भींचकर या तरह तरह के मुंह बनाकर अपने चेहरे की मांसपेशियों पर काम करना जारी रखता है। अब शिशु पूरी तरह से विकसित हो चुका है और जन्म लेने को तैयार है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते में भी शिशु का जन्म हो जाए तो यह पूरी तरह से नॉर्मल है। 38वां हफ्ता। प्रेगनेंसी के 38वें हफ्ते में शिशु का औसत वजन लगभग 3 किलोग्राम और उसकी लंबाई 19.6 इंच के करीब हो चुकी है। शिशु के शरीर से पतले लेनुगो बाल अब अधिकतर झड़ गए हैं, लेकिन अभी भी जन्म के समय कुछ बाल शेष रह सकते हैं, विशेषकर ऊपरी बाजू और कंधों पर। शिशु की कोहनियों और घुटनों पर छोटे डिंपल हो सकते हैं और अब शिशु अपने हाथों से मजबूत पकड़ बना सकता है। 39वां हफ्ता। दोस्तों, अब शिशु का वजन लगभग 3 किलो 300 ग्राम और उसकी लंबाई 20 इंच के करीब हो चुकी है, लेकिन शिशु के वजन को लेकर आप टेंशन ना लें, क्योंकि हमारे देश में जन्म लेने वाले ज़्यादातर बच्चों का वजन 2.5 से 3 किलो के बीच होता है और जन्म के समय जिस बच्चे का वजन 2.5 किलो भी है वह भी पूरी तरह से स्वस्थ होता है, और जिस बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम हो उसे लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। दोस्तों, अब शिशु के सभी अंग पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, लेकिन उसके फेफड़े अभी भी विकसित हो रहे हैं और शिशु की स्किन मोटी और उसकी रंगत फीकी होती जा रही है, क्योंकि अब हट रही बाहरी त्वचा की कोशिकाओं की जगह नई त्वचा आ रही है। अब आपको अपने शिशु को सीने से लगाने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 40वां हफ्ता। प्रेगनेंसी के 40वें हफ्ते को गर्भावस्था का अंतिम दौर भी कहते हैं। इस हफ्ते तक गर्भस्थ शिशु का वजन 3.5 किलो और उसकी लंबाई 21 इंच तक हो सकती है। अगर आपकी अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है तो अब बच्चा किसी भी समय दुनिया में आ सकता है। दोस्तों, अगर 40वें हफ्ते यानी कि डॉक्टर द्वारा दी गई EDD तक भी आपको लेबर पेन शुरू ना हो तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे में आपको अपनी डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि 40 से 42 हफ्ते के बीच शिशु कभी भी जन्म ले सकता है और नेचुरल लेबर पेन शुरू ना होने पर आपकी डॉक्टर आर्टिफिशियल लेबर पेन दिलाकर भी डिलीवरी करवा सकती हैं। तो यह था वीक